Welcome to Adhira Chemistry Classes. Welcome friends, Adhira Chemistry Classes में आपका स्वागत है. आज हम solution का part second शुरू करेंगे, जिसका main topic होगा solubility. आज हम solubility पे बातचीत करेंगे. Solubility. Solubility को बोलते हैं विलेयता. विलेयता कहते हैं. अब ये जानना है कि ये solubility क्या होती है और ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं जो solubility पे असर डालते हैं. आप जानते हैं पहले से ही कि जो solution होता है वह एक homogeneous mixture है, एक समांगी निकाय होता है. उसका जो छोटा component होता है वह होता है solute और जो बड़ा component होता है वह होता है solvent. तो जब कोई solute solvent में जाता है तो सलूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है. उस इंटरेक्शन के रिजल्ट से सलूट सॉल्वेंट में जाके डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है. डिजॉल्व होने की जो मैकेनिज्म होती है उसे कहते हैं डिसोल्यूशन, उसे कहते हैं घुलने की दर. डिसोल्यूशन हमें यह जानना होगा कि पहले यह डिसोल्यूशन क्या होता है, दूसरा यह जानना होगा कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है. डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन, मान लिया जाए आपके पास एक गिलास पानी है और आप जानते हैं पहले से कि पानी एक पोलर सॉल्वेंट होता है. पानी में आपने NaCl नमक साल्ट को डिसॉल्व करवा रहे हैं. NaCl जब पानी में जाएगा तो NaCl और पानी का नेचर अगर सेम रहेगा, समान नेचर के रहेंगे, तो NaCl पानी में जाके आसानी से घुलने लगेगा. तो जो घुलना कहलाता है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन. तो NaCl जब पानी में जाएगा पहले शुरुआत में इनिशियली बहुत तेज घुलेगा, बहुत तेज घुलेगा. उसके बाद जैसे जैसे NaCl घुलता जाएगा वैसे वैसे पानी की जो मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग पाई जाती है. उस इंटरमॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग के नाते उसके कारण से बीच बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस छूट जाते हैं. जो एम्प्टी स्पेस छूट जाते हैं पानी में उसे कहते हैं इंटरस्टीशियल साइट कहते हैं, उसे हिंदी में अंतरावकाश कहते हैं. तो जो NaCl पानी में जाएगा आयनाइज होगा, Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा. Na प्लस Cl माइनस होगा जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग है उसके नाते जो उसके अंदर इंटरस्टीशियल साइट है उसमें जाके बहुत तेजी से अपना स्थान ऑक्युपाई करने लगेगा. यह स्थान ऑक्युपाई करने की जो कैपेसिटी होती है, जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं डिसोल्यूशन. शुरुआत में घटना बहुत तेज होती है लेकिन जैसे जैसे पानी का इंटरस्टीशियल साइट भरने लगता है वैसे वैसे डिसोल्यूशन की रेट कम होने लगती है. NaCl जा करके बॉटम में पेडी में सेटल डाउन करने लगता है. तो जब ये सेटल डाउन करने लगेगा तो उस घटना का नाम होता है प्रेसिपिटेशन. तो घुलना कहलाता है डिसोल्यूशन. और जब पानी के मॉलिक्यूल सॉल्यूट को अपने अंदर रख नहीं पाते हैं तो उसे नीचे बैठाने लगते हैं तो यह घटना कहलाती है प्रेसिपिटेशन. इसमें ऐसा आता है एक फिजिकल इक्विलिब्रिया सेटअप होती है. उस फिजिकल इक्विलिब्रिया में रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन. आप इसको नोट कर सकते हैं, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी घुलने की दर और अवक्षेपण दर इक्वल हो जाती है. इस प्रकार की इक्विलिब्रिया को फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रिया कहते हैं. इक्विलिब्रिया जानते क्या होता है? इक्विलिब्रिया माने होता है अगर किसी भी प्रोसेस में फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट की बराबर हो जाए और समय के साथ उसके एक्टिव मास में या कंपोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होती है तो उस प्रकार की घटना को डायनेमिक केमिकल फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो जब NaCl पानी में जाएगा तो NaCl पानी में जाएगा पहले होगा डिसोल्यूशन, उसके बाद होगा प्रेसिपिटेशन. दोनों की रेट अगर इक्वल हो जाती है तो इक्विलिब्रिया पैदा होती है. उस इक्विलिब्रिया का जो हालात होता है उस हालात के सॉल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो
तो किसी निश्चित टेम्परेचर पर किसी निश्चित अमाउंट के सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो अमाउंट डिजॉल्व होता है उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के आधार पे सॉल्यूशन को बांटा गया है तीन क्लास में, तीन टाइप में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा मैंने अभी, अनसैचुरेटेड आप लिख सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीसरा होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब सब पर बातचीत होगी। सैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं असंतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं अति संतृप्त विलयन। होता क्या है कि अगर आपके पास एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी में आपने नमक डाला, एक चम्मच नमक, एक चम्मच नमक जाके पानी में पूरा घुल गया, डिजॉल्व हो गया और होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, तो वह जो सॉल्यूशन होगा उसका नाम होगा सैचुरेटेड। अगर पानी में आपने एक चम्मच से कम नमक डाला है, इसका मतलब कि अभी और नमक घुल सकता है, तो वह सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने एक चम्मच नमक डाला और उसको फिर आपने हल्का सा हीट कर दिया या उसको हिला दिया चम्मच से या उसके अंदर थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, तो हो सकता है तो कुछ नंबर ऑफ मोल्स और जाकर डिजॉल्व हो जाए। तो अगर वह डिजॉल्व हो जाते हैं तो वह सॉल्यूशन कहलाता है सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी के मैकेनिज्म के आधार पर सॉल्यूशन तीन टाइप के हो गए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्युबिलिटी जो है वह किसी निश्चित टेम्परेचर पर किसी भी फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और आम भाषा में सॉल्युबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी टू डिजॉल्व, घुलने की जो क्षमता है, घुलने की जो योग्यता है उसे कहते हैं विलेयता या सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब आते हैं कि ऐसे जब कोई सॉलिड किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो कैसे डिजॉल्व होता है, उसकी क्या क्या मैकेनिज्म है, बताएंगे आपको मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसी लिक्विड में कोई ठोस कैसे जाके घुलता है, उसकी क्या क्या मैकेनिज्म होती है। यह जो हम आपको लिखा पढ़ा रहे हैं यह एनसीईआरटी का जो सेकेंड यूनिट है सॉल्यूशन क्लेशन का है, और इस सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से सारे हर समय एक दो सवाल आते हैं कि सॉल्युबिलिटी की क्या मैकेनिज्म है, क्या उसके बेसिक फंडा है। तो मैंने कहा कि अगर कोई सॉलिड जाके लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो डिजॉल्व कैसे होता है, डिजॉल्व होने की क्या क्या मैकेनिज्म है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा सबसे पहले सॉल्वेशन, उसके बाद हमको समझना होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटर एक्शन, तीसरी बात समझना होगा लैटिस एनर्जी। हम सब पर एक एक करके बात बताएंगे आपको। चौथा समझना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब किसी लिक्विड में सॉलिड जाके डिजॉल्व होता है तो ऐसी कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है जिससे लिक्विड में जाके सॉलिड घुल जाता है, तो हमें अगर इस मैकेनिज्म को समझना होगा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है, अगर सॉल्वेंट वाटर है
तो सॉल्वेशन को हम कह सकते हैं हाइड्रेशन। सॉल्वेशन को समझना होगा तो सॉल्वेशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सलूट आपके पास है और वह सलूट अगर सॉल्वेंट से मिलता जुलता है, सलूट भी पोलर है सॉल्वेंट भी पोलर है, तो होता क्या, जैसे सलूट जाता है सॉल्वेंट में तो जो सलूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट में जाके टूट जाते हैं, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं सलूट के मॉलिक्यूल के ऊपर जाके अटैक कर देते हैं उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। तो अटैक ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑन सलूट पार्टिकल इज नोन एज सॉल्वेशन। अगर वह सॉल्वेंट पानी है वाटर है तो सॉल्वेशन को अब कहा जाएगा हाइड्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं जलयोजन। तो अगर कोई सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व होना है तो जो सबसे पहली प्रोसेस होती है वह होता है सॉल्वेशन। अब मान लीजिए आपके पास पोलर सॉल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट जब होता है तो वहां पर एक बेसिक फंडा काम करता है, उस बेसिक फंडा का नाम होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब होता है कि जो जैसा होगा वैसे में घुलेगा और जो जैसा होगा वैसे को घुलवाएगा। जैसे मान ली आपके पास NaCl है पानी में गया, तो NaCl भी पोलर है और पानी पोलर है, तो NaCl के ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाके अटैक कर देते हैं तब हो जाता है सॉल्वेशन। अब आता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी एक प्रकार का सॉल्वेशन ही है। सॉल्यूट नमक है सॉल्वेंट आपका पानी है, तो नमक के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है जो अंतःक्रिया होती है उसी का नाम होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़िया है अच्छा है तो सॉल्वेशन बढ़िया होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक का बेसिक फंडा ज्यादा फॉलो होगा। अब आता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है, और आपने इसको समझा होगा 11th की NCERT में जो आयनिक सॉलिड का जो लेसन होगा केमिकल बॉन्डिंग का, उस केमिकल बॉन्डिंग में बोर्न हावर साइकिल से इसको निकाला जाता है। आप जानते हैं पहले से कि जब कोई भी आयन दो आयन आपस मिलते हैं, मिलने पर उनके बीच में एक कूलम्बिक फोर्स पैदा होता है, उसको इंटर आयनिक अट्रैक्शन कहते हैं। इस इंटर आयनिक अट्रैक्शन के होने से एनर्जी बाहर जाती है, जो एनर्जी बाहर जाती है उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो NaCl अगर है तो NaCl जब बनता है तो Na पॉजिटिव Cl माइनस इकट्ठा होता है, पास पास आते हैं, एनर्जी जो बाहर जाती है उस एनर्जी उस ऊर्जा को लैटिस एनर्जी कहते हैं, इसको हिंदी में जालक ऊर्जा कहा जाता है। जब NaCl को तोड़ा जाएगा तब जितनी अमाउंट में एनर्जी NaCl के बनने में निकली होती है उतनी अमाउंट की एनर्जी NaCl के टूटने में खर्च होती है। तो लैटिस एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इवाल्व आर वार एब्जॉर्ब इन एनी आयनिक कंपाउंड फॉर्म आर वार डिफॉर्म। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड के बनने या टूटने में जो एनर्जी आदान प्रदान होती है बाहर अंदर जाती है उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी की जो डिफिनीशन है उससे ये पता चल रहा है कि लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वह आयनिक कंपाउंड उतना स्ट्रांग होगा, उतना स्ट्रांग होगा तो आयनिक कंपाउंड जल्दी से पानी में जाने टूट नहीं पाएगा तो उसका डिसोल्यूशन भी नहीं होगा। तो लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो आयनिक कंपाउंड का डिसोल्यूशन बहुत कम होगा, लैटिस एनर्जी कम है तो आयनिक कंपाउंड का डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब यह हो गया कि लैटिस एनर्जी डिसोल्यूशन का अपोज करता है, मान हायर अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी अपोज द मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन। लैटिस एनर्जी कम होगा डिसोल्यूशन अच्छा होगा। मैंने कहा आपसे कि मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो इसमें सबसे पहला मैंने फैक्टर बताया जो आपको जानना है सॉल्वेशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तीसरे पे था लैटिस एनर्जी। अब आता है चौथा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी आप 11th के NCERT में केमिकल बॉन्डिंग का जो लेसन रहेगा उसमें बड़ा बेहतरीन ढंग से समझ क्या है। मेरा वीडियो आएगा अगले आने वाले दिनों में, अब मैं केमिकल बॉन्डिंग पर एक लंबी सीरीज 20 पार्ट में शुरुआत करूंगा, उसमें आयनिक बॉन्ड से लेकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सॉल्वेशन। अब इसमें आपको देख रहे हैं आप लोग कि इसमें मैंने वाटर लिया हुआ है,
वाटर में मैंने NaCl को डाला हुआ, हमें NaCl को वाटर में डाल के समझाना आपको सॉल्वेशन, बहुत आसान तरीका है, हमने इस पे लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं, इसको आप उतार भी सकते हैं। NaCl जो है वह चूंकि दो आयनों से मिलके बना है Na प्लस और Cl माइनस, NaCl जैसे पानी में जाता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है चूंकि NaCl से मैच खाते हैं तो लाइक डिजर लाइक के कॉन्सेप्ट से अटैक करेंगे, जब अटैक करेंगे तो वह घटना कहलाएगी सॉल्वेशन। NaCl जाता पहले आयनाइज होता है तो सबसे पहले होगा इसका आयनाइजेशन, उसके बाद आयनाइजेशन के बाद जब Na प्लस और Cl माइनस जब बन जाएगा, आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके दो पोल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल होगा वह Na पॉजिटिव के चारों तरफ अपने नेगेटिव एंड से जाके घिर जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल Na पॉजिटिव के चारों तरफ घिर के अटैक कर देगा, अटैच हो जाएगा एक वीक केमिकल बांड से, इस वीक केमिकल बांड का नाम होगा इंटरैक्शन का बांड होगा, तो इस इंटरैक्शन के नाते इसमें से एनर्जी बाहर जाती है, जो एनर्जी बाहर जाएगी उस एनर्जी का नाम होगा सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी कहेंगे, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट वाटर लिया है इसका नाम कहलाएगा हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, इसको हिंदी में कहते हैं जल योजन ऊर्जा कहते हैं। तो Na पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल के डाइपोल का नेगेटिव एंड और Cl माइनस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल के डाइपोल का पॉजिटिव एंड जाकर के अटैच हो जाता है, इसमें भी एनर्जी निकलेगी। तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस के सॉल्वेशन होने के बाद जो एनर्जी बाहर जाती है उसका नाम होगा सॉल्वेशन एनर्जी। अब Na प्लस और Cl माइनस हो जाएंगे हाइड्रेट, इसका नाम कहलाएगा हाइड्रेट, हाइड्रेट सोडियम आयन, और इसका नाम कहलाएगा हाइड्रेट क्लोराइड आयन। यह पूरी जो घटना, जो पूरी प्रोसेस है, इसका नाम है सॉल्वेशन, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट लिया वाटर, इसका नाम कहलाता है हाइड्रेशन। जितना अच्छा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे, उतना ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, तो उतना बढ़िया डिसोल्यूशन होगा। तो यह है सॉल्वेशन की प्रोसेस। अब मान लीजिए हम NaCl है, तो NaCl हटा देते हैं, NaCl के स्थान पे अगर हम डाल देते हैं कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे डाल देते हैं ग्लूकोज, यूरिया या कुछ और मॉलिक्यूल डाल देते हैं जो NaCl के जैसा नहीं रहता है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल होते हैं, वे इस मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप जानते हैं अगर मैं लूंगा तो ग्लूकोज लूंगा अथवा शुगर लूंगा, तो जो शुगर होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, सब जानते हैं पहले से, जो जितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं, तो सारे कार्बोहाइड्रेट में तो OH होगा, जब OH होगा तो OH के अंदर हाइड्रो बॉन्डिंग पाई जाती है, तो इसके अंदर जो हाइड्रो बॉन्डिंग होगी वो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रो बॉन्डिंग से मैच करेगी, तो हाइड्रो बॉन्डिंग के नाते इनका डिसोल्यूशन होता है। तो जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में जाता है तो सॉलिड का लिक्विड में जाने पर दो मेन कारण है डिजॉल्व होने का, एक सॉल्वेशन और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको समझाया कि मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम आते हैं कि सॉल्वेबिलिटी पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं और सॉल्वेबिलिटी के मैग्नीट्यूड को, उसकी मात्रा को घटाते और बढ़ाते हैं। तो अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting solubility,
सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मैंने बोला कि सॉल्युबिलिटी जो है वह घुलने की क्षमता है, द एबिलिटी टू डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी के मैग्नीट्यूड पर या उसके क्षमता पर, उसके एबिलिटी पे असर डालते हैं? तो जो सबसे पहला फैक्टर है वह है सलूट, सलूट विले, नेचर ऑफ सलूट मतलब विले कैसा है। दूसरा फैक्टर है सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा फैक्टर है डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है साइज ऑफ सलूट, छठवां है कॉमन आयन इफेक्ट। सॉल्युबिलिटी पर इतने सारे फैक्टर अपना असर डालते हैं, सलूट, सॉल्वेंट, डायोटिक कांस्टेंट, टेम्परेचर, साइज ऑफ सलूट, कॉमन इफेक्ट। आप इसको लिख सकते हैं, हम एक एक करके सबके बारे में बताते हैं। और यह बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही एमिनेंट है सलूट। सलूट का नेचर भी सॉल्युबिलिटी पर असर डालता है। सलूट की लैटिस एनर्जी कम है वह डिजॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ज्यादा है तो डिजॉल्व उतनी आसानी से नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सलूट पोलर है कि नॉन पोलर है? अब आता सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। सॉल्वेंट दो टाइप का होता है, पोलर होता है और नॉन पोलर होता है। अगर सॉल्वेंट पोलर है तब सलूट भी पोलर होगा तो डिजॉल्व होगा। सॉल्वेंट नॉन पोलर है, सलूट भी नॉन पोलर होगा तो अच्छा डिजॉल्व होगा। अगर दोनों में मैच नहीं खाएंगे पोलरिटी या नॉन पोलरिटी के आधार पर तो डिजॉल्यूशन कम हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक्चुअल में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह सॉल्वेंट का ही फैक्टर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी सॉल्वेंट के दो आयनों के बीच में जो फोर्स होल्ड होता है उसको वीक करता है। तो फोर्स जो है उसको वीक करने का जो मेजरमेंट है, जो पैमाना है, उसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसका एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/D Q1 इंटू Q2 अपॉन R2। अब जानते हैं पहले से 10th स्टैंडर्ड में भी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में रसायन विज्ञान में सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का, इसलिए सबसे ज्यादा बेस्ट सॉल्वेंट माना जाता है। यफ जो है दो आयनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, आर जो है दो आयनों के बीच में दूरी है, Q1 Q2 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो ओरिजिन हुआ है प्लस और माइनस पर, डी जो है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं यफ और डी के बीच में इनवर्सली रिलेशन है। तो किसी भी सॉल्वेंट का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, दो आयनों के बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। हम ये बताना चाह रहे हैं जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी पे जो फैक्टर असर डालते हैं उसमें सलूट है, सॉल्वेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बड़ा रोल है। टेम्परेचर जब कोई सॉलिड जाता है सॉल्वेंट में, जब कोई सलूट जाता है सॉल्वेंट में, तो जब डिजॉल्यूशन होता है तो डिजॉल्यूशन की दो संभावनाएं हैं। एक संभावना है कि मान लिया जाए कि ए बी एक सलूट है और यह वाटर में जा रहा है, डिजॉल्व हो गया, ए बी एक्वस हो गया। डिजॉल्व होने पर, सॉल्यूशन होने पर अगर हीट बाहर जा रही है
हीट बाहर जा रही है मतलब यह एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। हीट बाहर जा रही मतलब सोल्यूशन जब बन रहा हीट बाहर जा रही है, हीट बाहर निकल रही है मतलब सोल्यूशन ठंडा हो रहा है, तो टेम्परेचर को आपको घटाना पड़ेगा। कम टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर इस डिसोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ए बी है आपने डाला H2O में और ए बी एक्वस बना सॉल्यूशन और इसमें एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब हीट अंदर जा रही है तो मतलब सॉल्यूशन बनता जा रहा है, हीट अंदर जा रही है इसका मतलब हुआ कि ज्यादा टेम्परेचर सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इस बात को समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा, आप जानते हैं पहले से ही कि जब कोई इक्विलिब्रिया डेवलप होती है तो इक्विलिब्रिया पर ली चैटर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। ली चैटर प्रिंसिपल ही एक अच्छा सिद्धांत है, आप जानते हैं कि अगर एक बार इक्विलिब्रिया सेटअप हो जाती है तो वह इक्विलिब्रिया अपने आप मेंटेन करना चाहती है, अपने आप की स्टेबिलिटी को रखना चाहती है। और अगर इस इक्विलिब्रिया पर आप किसी प्रकार के फैक्टर को डालेंगे, चेंज करना चाहेंगे, जैसे प्रेशर का, टेम्परेचर का, नंबर ऑफ मोल का, वॉल्यूम का, या इक्विलिब्रिया आपके द्वारा दिया गया या आपके द्वारा आरोपित किया गया कोई भी कारक का अपोज करता है, अपोज करने के लिए बाएं दाएं अपने आप इक्विलिब्रिया शिफ्ट होती है, शिफ्ट होकर के अपने आप को ज़्यादा मेंटेन करती है। तो ली चैटर प्रिंसिपल से अगर डिसोल्यूशन में एक्जोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का रोल है सॉल्युबिलिटी पर। अब पांचवा फैक्टर आता है साइज ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की साइज जितनी छोटी रहती है डिसोल्यूशन उतना ज्यादा रहेगा मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। छठवां फैक्टर आता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट को भी समझाने के लिए हमें समझाना पड़ेगा ली चैटर प्रिंसिपल। ली चैटर प्रिंसिपल वही बोलता है कि अगर किसी भी सेटअप हुई इक्विलिब्रिया पर आप किसी प्रकार के कंसंट्रेशन के, टेम्परेचर का या प्रेशर का असर डालेंगे, चेंजिंग करेंगे, तो वह उस असर को अनडू करना चाहती है, अनडू करने के लिए बाएं दाएं शिफ्ट होती है। मान लिया जाए कि आप किसी भी सॉलिड को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं और उस सॉल्वेंट पहले से कोई आयन मौजूद है जो सॉलिड के द्वारा आयनाइज हुए आयनों से मेल खाता है, तो उस प्रकार के आयन को हम कॉमन आयन कहते हैं। कॉमन आयन की मौजूदगी से बाएं दाएं साइड कॉमन आयन एक्टिव मास बढ़ जाएगा, जब एक्टिव मास बढ़ जाएगा तो उस एक्टिव मास को मिनिमाइज करने के लिए इक्विलिब्रिया पीछे चली जाएगी, बाएं शिफ्ट होगा तो वह सॉल्यूट जाके सेटल डाउन करने लगेगा कॉमन आयन के कारण से, तो कॉमन आयन के नाते डिसोल्यूशन कम होने लगता है। इस घटना का नाम होता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो मैंने आपको समझाया कि सॉल्युबिलिटी पर सॉल्यूट, सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टेम्परेचर, साइज ऑफ सॉल्यूट और कॉमन आयन इफेक्ट का रोल होता है। तो दोस्तों मैंने आज जो है आज की वीडियो मैंने सॉल्युबिलिटी के बारे में पूरा फंडा, बेसिक फंडा से लेकर एक्सट्रीम तक मैंने समझा दिया। यह जो टॉपिक है वह एनसीईआरटी की जो सेकेंड यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का हिस्सा है और यह नीट में भी काम आएगा, जी मेन काम आएगा। जो लोग बीएससी थर्ड ईयर में है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी या बीएससी ऑनर्स में है उनमें एक सॉल्यूशन का लेसन है सॉल्यूशन, डायल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर उस सॉल्यूशन के लेसन का आपको बेहतरीन ढंग से समझना है, उसको लर्निंग करना आपने उसमें उतारना है कि आप उसको अप्लाई करके बहुत सारे कंपटीशन में बैठ सकें, एग्जाम दे सकें, तो सॉल्युबिलिटी यह पूरा आज का वीडियो उसके लिए फायदेमंद है। अगला जो वीडियो आएगा वह वीडियो रहेगा मोलरिटी पर, बहुत जानदार बहुत शानदार वीडियो रहेगा। और आप जानते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट जो होता है वह बहुत ही हेडेक रहता है जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं केमिस्ट्री के। तो हम जो है अगला वीडियो हमारा है मोलरिटी पर। मोलरिटी जो है बहुत ही बेसिक फंडा है। अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ना है नॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन के साथ, तो मोलरिटी आपको जानना पड़ेगा। इसके पहले का जो भी वीडियो है आप हमारे लिंक में आइए और डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगा। और अधीरा
केमिस्ट्री क्लास में सोलूशन का जो टॉपिक है, उस सोलूशन की टॉपिक को हम अलग अलग पार्ट में आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए, आपके हर सवालों का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।